हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर जैसा कि हम थ्योरी ऑफ मशीन जो है सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको एक पहला वीडियो और डाल रखा है इस पर जिसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स आपको इसमें बताया, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन बताया और थ्योरी ऑफ मशीन की डेफिनेशन बताई। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैकेनिज्म, व्हाट इज मशीन एंड काइनेमेटिक लिंक्स एंड टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म और मशीन, इन दोनों में हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इफ अ नंबर ऑफ बॉडीज assembled in such a way that the motion of one causes constrained and predictable motion of other is known as the mechanism. इसको लिखते हैं हम और इसको समझते हैं। If a number of bodies assembled in such a way that the motion of one causes constraint and predictable motion of others, it is known as mechanism. ठीक है, तो mechanism की definition क्या होती है। If a number of bodies assembled in such a way that the motion of one cause constrained and predictable motion of other is known as the mechanism. तो जब हम bodies को, number of bodies को इस टाइप से असेंबल करते हैं जिसमें उसके मोशन को हम डिफाइन कर सकें, प्रॉपर मोशन को डिफाइन कर सकें, तो उसे हम बोलेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अगले वीडियो लेक्चर में। डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म होते हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, है ना, सक्सेसफुली, ये तीन तरह के मैं आपको बताऊंगा। और कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रेंट मतलब होता है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन। अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, सक्सेसफुली भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, और उसके बाद कंप्लीट भी हो सकता है। मतलब एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन। कंस्ट्रेंट मतलब अगर ये जो एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी इसमें लगी हुई है, तो ये अगर स्लाइड कर रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, तो ये ओनली इस टाइप के मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में एक डिफाइन मोशन करती है, डेफिनेट मोशन। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये स्लाइड करेगा अगर ये स्क्वायर बार है, तो इस टाइप से स्क्वायर बार, इसके अंदर स्क्वायर रॉड के अंदर सिर्फ ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये रोटेशन नहीं करेगा, एक ही मोशन डिफाइन करता है। तो वो जो मोशन है, पर्टिकुलर मोशन, उसको अगर हम डिफाइन करें तो उसे बोलेंगे हम कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अब बात करें हम मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म की डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज मैकेनिज्म, सॉरी व्हाट इज मशीन। तो मशीन को अगर मैं डिफाइन करूं, अ मशीन इज अ मैकेनिज्म। मशीन जो है एक मैकेनिज्म है, यह आप बोल सकते हो। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म विच अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग मोशन टू द पार्ट ऑल्सो ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इन टू सम काइंड ऑफ डिजायर वर्क। इसकी डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ पहले। अ मशीन इज अ मैकेनिज्म और अ कॉम्बिनेशन ऑफ mechanism which apart from imparting motion
टू द पार्ट ऑल्सो ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइड द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू सम काइंड ऑफ डिजायर वर्क। मशीन क्या है? मशीन जो है मैकेनिज्म से मिलके बना हुआ है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म है, विच अपार्ट फ्रॉम द इम्पार्टिंग मोशन, जो कि मोशन को इम्पार्ट करता है, ऑल्सो ट्रांसमिट एंड मॉडिफाई टू अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी, और जो क्या करता है, जो भी ट्रांसमिट करता है ये मैकेनिकल एनर्जी को सम डिजायरेबल वर्क के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म यहाँ पर आपके सामने है, जो कि पिस्टन एंड सिलेंडर के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ पर ये इस टाइप से फिक्स है, ये हमारा क्रैंक है, ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग रॉड, और ये इस टाइप से यहाँ पे फिक्स है। तो जब मैं इसको मोशन दूंगा, क्रैंक को मोशन दूंगा, तो ये स्लाइड करेगा, मतलब ये रोटरी मोशन, ये ट्रांसलेशन मोशन। जब मैंने इसको मोशन दिया तो ये घूम के यहाँ पे मोशन ट्रांसमिट कर रहा है। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, और जब इसको हम डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म को किसी मशीन पे अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारा मशीन बन के आ जाता है, जो कि क्या करता है, हमने यहाँ पर कुछ वर्क किया, कुछ मोशन ट्रांसमिट किया या कुछ एनर्जी दी, और यहाँ पर हमें कुछ डिजायर वर्क मिला, तो इसे बोलेंगे हम मशीन, ठीक है। तो मैकेनिज्म एंड मशीन आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको काइनेमेटिक लिंक्स के बारे में बताऊँगा, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन।